जिनके पेट में ऐंठन रहती है या दर्द रहता है, हल्का हल्का सा दर्द हमेशा पेट में बना रहता है, यह कब्ज की शिकायत है और पेट में मल जमा है, सालों से आंतों में जो मल है वो सूख गया है या आंतें कमज़ोर हैं, हमेशा ही कब्ज बनी रहती है, तो उन सभी के लिए मैं होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ना ही इसको कोई बनाने का आपको झंझट होगा, केवल दो चीज़ों से, दो पाउडर से ये बनेगा। और पेट को जब हम साफ करते हैं तो साफ करने के लिए जो दवाई लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो आंतें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। पेट तो हमारा साफ हो जाता है एक बार, पर क्या होता है आंतें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण हमेशा ही कब्ज की शिकायत बनी रहती है। तो ये दो चीज़ों से बना हुआ जो पाउडर है, ये दो चीज़ों से हम बनाएंगे। तो इस पाउडर को अगर आप लेते हैं, दो टाइम लेना है दिन में, तो आपकी जो आंतें हैं उन वो भी मजबूत होंगी, आंतों को मजबूती मिलेगी और जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है उनको भी राहत मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो हम ले रहे हैं मुलेठी का पाउडर। ये मुलेठी जो है, इसका पाउडर आपको मार्केट से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने अमेजोन से मंगाया था तो आपको बना बनाया मिल जाएगा। और हम लेंगे आंवला पाउडर। अब दोनों की जो मात्रा है वो बराबर लेनी है आपने, चाहे आप मुलेठी लें या आंवला लें, दोनों की मात्रा बराबर लेनी है। और इस पाउडर को आपने मिला लेना है और मिला करके किसी एयर टाइट कंटेनर में आपने रख लेना है। अब देखिए इसको लेना कैसे है वो भी बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, ये पाउडर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इससे जो आपकी आंतें हैं उनको मजबूती मिलेगी, यानी आपकी आंत मजबूत होगी, आंतें मजबूत होंगी तो खाया पिया आपको अच्छी तरह से हजम हो जाएगा। अब देखिए लेना कैसे है, इसको आपने एक छोटा चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है वो आपने दो टाइम ले सकते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो एक टाइम लीजिए रात को। तो खाना खाने के एक घंटे बाद आप इसको दूध से भी ले सकते हैं और गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। त्रिफला हमने इसमें मिलाया है, त्रिफला भी दूध के साथ लिया जाता है और मुलेठी भी दूध के साथ हम ले सकते हैं। तो पानी से अगर लेना चाहें तो पानी से ले लीजिए, गुनगुने पानी से, नहीं तो आप दूध से ले लीजिए। तो रात को खाना खाने के एक घंटे बाद अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपकी कब्ज की शिकायत है और पेट में हल्का हल्का सा जो दर्द रहता है वो भी ठीक होगा और आपकी जो आंतें हैं वो मजबूत होंगी। जो बवासीर के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। और हाँ, एक बात और बताऊँ कि ये जो मुलेठी है, मुलेठी शरीर को भी ताकत देती है अगर आप इसका यूज़ करते हैं। हाँ, इसको 15-20 दिन आप लगातार यूज़ कर सकते हैं, 15-20 दिनों में ही आपको फ़ायदा होने लगेगा और उसके बाद दोबारा यूज़ करना है तो 10 दिन का गैप दे देना, फिर दोबारा इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूल मत जाना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।